डिस्कस करेंगे, देन आई विल गो टू द बोर्ड. सो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन इज बेसिकली डिक्रीज इन द लेंथ. आप समझ रहे होंगे कॉन्ट्रेक्शन मतलब घटना किसी चीज का. अब लेंथ कॉन्ट्रेक्शन देखा कैसे जाएगा आपको मैं बहुत लेमन टर्म्स में बताऊंगा कि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन है क्या. कि सपोज आपने कोई रॉड ली, कोई भी रॉड हो सकती है, यू कैन यू आर टेकिंग एनी रॉड, और आपने उसको क्या हुआ मूवेबल फ्रेम में रख दिया. समझ रहे हो जो फ्रेम मूव कर रहा है. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दिस रॉड. अब आप इस रॉड को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग दिस रॉड फ्रॉम स्टेशनरी फ्रेम. यहां थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहां दो चीजें आपको मिलेंगी. एक तो लेंथ मिलेगी रॉड की, रेस्ट लेंथ जिसको हम बोलेंगे एल डैश. एल डैश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में क्या है एल डैश डेल्टा एल डैश एल नॉट ये भी यूज किया है. तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अपनी अपनी बुक्स की टर्मिनोलॉजी है. यहां मैं एल और एल डैश यूज करूंगा. एल डैश लेंथ ऑफ द रॉड इन मूवेबल फ्रेम, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व फ्रॉम स्टेशनरी फ्रेम. ये दो टर्मिनोलॉजी हम लेके चलेंगे. तो ये आप करेंगे तो, और कहीं कहीं एल नॉट ले लिया है. एल नॉट मतलब ले लिया है किसको, जो लेंथ ऑफ द रॉड इन आपकी किसमें है मूवेबल फ्रेम में है. तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मूवेबल फ्रेम में जो रॉड की लेंथ होगी दैट इज द रेस्ट लेंथ. जैसे सपोज करो यू आर टेकिंग अ रॉड एंड सेट ऑन अ बाइक, आप किसी बाइक पे एक रॉड को लेके बैठ जाते हैं और समबडी इज ऑब्जर्विंग दिस रॉड. अब इसको ऑब्जर्व कर रहा है इन फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन. तुषार गुप्ता कौन है, हु इज दिस तुषार, जस्ट वेट विद मी. नो तुषार गुप्ता तो कोई है नहीं. तो ये जो आपकी रॉड होगी, आप रॉड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किससे, स्टेशनरी फ्रेम से. और रॉड को रखा कहां पर है आपने, रॉड को आपने रखा है नॉन स्टेशनरी फ्रेम में. तो आप यहां से समझ गए होंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी. रॉड की जो लेंथ है दैट इज एल डैश एंड दिस इज द रेस्ट लेंथ. रॉड रेस्ट में कहां रखी हुई है, रॉड तो मूव नहीं कर रही है भाई, रॉड तो रेस्ट में ही रखी हुई है. सपोज मैंने कोई रॉड लेके इस टेबल पर रख दी और उस टेबल को मैं खिसकाने लग गया, तो क्या रॉड मूव कर रही है, रॉड तो मूव नहीं कर रही है. मूव क्या कर रही है, टेबल मूव कर रही है. तो इस टेबल को मूव करने की वजह से क्या होगा कि जो एक पर्सन है जो उस रॉड को कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, स्टेशनरी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको इसकी लेंथ में, रॉड की लेंथ में कुछ कमी महसूस होगी. और ये कमी ही क्या बोली जाती है, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन. डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वो मोशन करेगी उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ उसको कम महसूस होगी. तो इसको हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रेक्शन. तो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन समझ आ गया कि सपोज यू आर पुटिंग अ रॉड इन अ मूवेबल फ्रेम दैट इज द रेस्ट लेंथ, और इसको प्रॉपर लेंथ भी बोलते हैं. कभी कभी पूछा जाता है कि वो डिफाइन प्रॉपर लेंथ, तो बच्चों को ये नहीं समझ आती कि प्रॉपर लेंथ क्या है, एल है एल डैस, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है. तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि व्हाट इज प्रॉपर लेंथ. प्रॉपर लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड इन मूवेबल फ्रेम इन एस डैस फ्रेम. और इन प्रॉपर लेंथ कौन सी हो गई, लेंथ ऑफ द रॉड इन स्टेशनरी फ्रेम, इसको हम इम्प्रॉपर लेंथ बोलते हैं, जिसको एल से डोनेट करूंगा मैं. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे. तो इसके अलावा आप बुक से या किसी से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बुक में कहीं एल नॉट है तो अब एल नॉट को आप आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रॉपर लेंथ को रेस्ट लेंथ भी बोला जाता है. आप इसको अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, रेस्ट लेंथ, रेस्ट का मतलब स्टेशनरी फ्रेम में हो गया. बच्चे जनरली कंफ्यूजन में ये करते हैं कि रेस्ट लेंथ यानी स्टेशनरी फ्रेम से लेंथ, ऐसा नहीं है. रेस्ट लेंथ तो उसकी वो रेस्ट में तो किसमें रखी हुई है, वो रेस्ट में रखी हुई है इसमें जिस जो फ्रेम मूव कर रहा है. जैसे ट्रक में आपने कोई रॉड रख दी, आपने कोई ट्रक में या बाइक पे कोई रॉड लेके जा रहा है और आप उसको खड़े होके साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां तो वो उसके हाथ में रेस्ट में ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि रॉड मूव कर रही है. तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है. एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं यहाँ करूंगा, और उसके बाद क्वेरी देखेंगे और उसको खत्म. उस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे. यू हैव ऑलरेडी टेकन सम बुक्स,
तो आप बुक से कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अटेम्प्ट करिए, और मैं भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपके डाल दूंगा जो असाइनमेंट्स के तौर पे आप करते चले जाएंगे। हो सकता है कि असाइनमेंट ही आपको दे दूं, जिससे क्या कि आप असाइनमेंट को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सो वी शुड स्टार्ट विद द टॉपिक एंड द डेरिवेशन ऑफ दिस लेंथ कॉन्ट्रेक्शन। ये ध्यान रख लीजिए, इससे आपका 5 नंबर का पक्का आएगा, मतलब आधा पार्ट होगा आपका 5 नंबर का पक्का, 5 नंबर का या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या 5 नंबर का डेरिवेशन आ जाएगा, या हो सकता है दोनों आ जाए। तो इस एक क्वेश्चन पक्का है, गारंटी, लिख लीजिए इस बात को। तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब मैं वही दो चीज ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट आई विल ड्रॉ एन इनर्शियल फ्रेम विच इज स्टेशनरी एंड इट्स नेम इज एस। दीज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स, वाई एंड जेड। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स बना दिए। अब अनदर फ्रेम आई एम कंसिडरिंग हियर, अनदर फ्रेम जैसे कि हमने लॉरेंज के डेरिवेशन में यूज किया था, तो उसी तरीके से हम यहां कंसिडर करेंगे। अगेन आई विल कंसिडर ये हो गया जेड डैश, ये इतना बाहर आ गया तो ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। दिस बिकम्स एक्स डैश एंड दिस बिकम्स वाई डैश एंड दिस विल बी एस डैश, और दिस ओरिजिन इज नोन एज ओ डैश। सो लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। हमने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसीडर करें, इन विच वन इज स्टेशनरी एंड इट्स नेम इज एस, अनदर फ्रेम इज नॉन स्टेशनरी विच इज मूविंग। वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ये एस फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये ध्यान रखिए, ये आपका मोस्टली आपका डायग्राम तो जनरली काफी सारे डेरिवेशन में हम बार बार बनाएंगे और यही लैंग्वेज लिखेंगे। अब उसके बाद आई एम कंसिडरिंग अ रॉड विच इज सिचुएटेड इन एस डैश फ्रेम। किसमें सिचुएटेड है? एस डैश फ्रेम में। अब मैं कोई एक रॉड लेता हूं, रॉड एक बना देता हूं, एस डैश फ्रेम में मैंने एक रॉड को रख दिया। अब उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहां से यहां तक कितना हो गया? लेट से दिस इज एक्स वन और ये आपका यहां से यहां एस डैश फ्रेम में एक्स वन डैश और एक्स टू डैश, ये मैंने कोऑर्डिनेट इसके ले दिए। ये किससे हो गया? ये कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए एक्स और वाई, एक्स एक्स वन डैश और वाई एक्स टू डैश फ्रॉम एस डैश फ्रेम। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग दिस रॉड फ्रॉम स्टेशनरी फ्रेम, तो कोऑर्डिनेट्स आपको कुछ अलग दिखाई देंगे क्योंकि ये फ्रेम क्या है? मूव करता हुआ चला जा रहा है जिसमें रॉड आपकी रखी हुई है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? लेट से दिस कोऑर्डिनेट्स बिकम यहां से यहां तक एक्स वन, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर तक बनाता हूं, यहां तक ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा एक्स टू, ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा एक्स टू। तो अब आपको समझ आ गया, रॉड का एक सिरा होगा, उसकी दूरी एक्स वन डैश हो गई अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम, दूसरे सिरे की दूरी होगी एक्स टू डैश, किसके अकॉर्डिंग? एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब एस फ्रेम जो है, somebody is observing this rod from stationary frame, so what will be the coordinates of the rod ends? Rod ends के coordinates क्या होंगे? आपने मैंने y और z की बात इसीलिए नहीं की है यहां पे, क्योंकि y z में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए we are talking about only in length, length की ही बात कर रहे हैं हम, उसकी ना width की बात कर रहे हैं ना उसकी height की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एक कोऑर्डिनेट की, वो भी लेंथ की, क्योंकि लेंथ के डायरेक्शन में ही मोशन है। मोशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, लेंथ के डायरेक्शन में। सो बिकॉज ऑफ दैट चेंज विल अपीयर इन ओनली लेंथ, सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? आई एम अज्यूमिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इन एस डैश फ्रेम इज एल, एल डैश, सॉरी L dash is the length of
the rod in S dash frame. इसको हम एक नाम से और जानते हैं, प्रॉपर लेंथ. ये ध्यान रखिए, मैं नाम इसीलिए बता रहा हूं आपको, ये न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेंगे, प्रॉपर लेंथ और रेस्ट लेंथ. अब L क्या है? L लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व फ्रॉम S फ्रेम. इसको एक नाम से और जानते हैं, वो बोलते हैं इम्प्रॉपर लेंथ. इम्प्रॉपर लेंथ, ये आप दिमाग में बिल्कुल टर्मिनोलॉजी रखिएगा, क्योंकि व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स देन दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड. व्हाट इज प्रॉपर लेंथ, व्हाट इज रेस्ट लेंथ, व्हाट इज इम्प्रॉपर लेंथ, व्हाट इज लेंथ ऑफ द रॉड इन स्टेशनरी फ्रेम. क्योंकि स्टेशनरी फ्रेम से आप क्या कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग द रॉड. बेसिकली आप वो स्टेशनरी फ्रेम में नहीं रखी हुई है, उल्टा है यहाँ पे. अब रॉड क्या है, मूवेबल फ्रेम में रखी हुई है और उसको आप स्टेशनरी फ्रेम से देख रहे हैं, तो उसकी लेंथ एल है या एल डैश है. अब देखिए, तो एल बिकम्स क्या हो जाएगा, एल बिकम्स यहां से एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लेंथ रॉड ऑफ द लेंथ इन एस फ्रेम क्या हो जाएगी. देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन यहां तक, और ये पूरा कितना है, एक्स टू. तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 लिख सकता हूं मैं. लेंथ ऑफ द रॉड इन स्टेशनरी फ्रेम क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1. कैसे, देखिए ये पूरा कितना है अकॉर्डिंग टू s फ्रेम, x2, और ये कितना है x1. तो x1 इसमें से मैं माइनस कर दूं x2 में से, तो आई विल गेट द लेंथ ऑफ द रॉड. सो लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1. अब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ द रॉड, क्या लेंथ ऑफ द रॉड इन एस डैश फ्रेम, क्या है लेंथ ऑफ द रॉड इन एस डैश फ्रेम, एल डैश. तो एल डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पूरा एक्स टू डैश है, इतना एक्स वन डैश है अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम. सो एक्स टू डैश में से मैं अगर आई एम सब्ट्रैक्टिंग एक्स वन डैश फ्रॉम एक्स टू डैश, देन आई विल गेट द लेंथ ऑफ द रॉड इन एस डैश फ्रेम. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, ठीक है. अब आपका यहां से आपने ये कंडीशन लिखी, अब आपका जो यूज होगा, नाउ वी विल यूज द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहां से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन. अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से x की इक्वेशन क्या थी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x1 के टर्म्स में लिखूंगा by using Lorentz transformation. तो Lorentz transformation से आप क्या सकते हैं, x2 dash की value क्या हो जाएगी, x2 dash की value हो जाएगी, x2 dash is equals to क्या हो जाएगा, x2 minus vt upon under root 1 minus v square c square. x1 dash की value क्या हो जाएगी, x1 dash is equals to x1 minus vt upon 1 minus v square upon c square. तो ये simple आपने क्या हुआ, इसको हम यूज कर लिए. टी डैश नहीं होगा बेटा, टी डैश की बात नहीं होगी, क्योंकि टी हम किस टर्म में निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम स्टेशनरी फ्रेम के टर्म में. तो स्टेशनरी फ्रेम में क्या है, टी है, तो स्टेशनरी फ्रेम के अकॉर्डिंगली तो कंसीडर करेंगे भाई. ये वी टी तो लेते थे जब हम नॉन स्टेशनरी फ्रेम के कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टेशनरी फ्रेम के कोऑर्डिनेट के टर्म्स में निकालते थे, तो यहां क्या आता था, टी आता. अब इसको अगर मैं उल्टा देखूं, x की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ x डैश, तो यहाँ t डैश आएगा, और यहाँ b की जगह माइनस b तो प्लस हो जाएगा, हमने इनवर्स बताया था आपको निकाल के. देखिए अब लिखिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यहाँ x2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एक्स टू डैश इज इक्वल टू, भाई एक्स टू डैश किससे रिलेट होगा, स्टेशनरी फ्रेम के एक्स टू कोऑर्डिनेट से, भाई एक्स टू डैश एक्स टू से रिलेट होगा, तो दिस बिकम्स एक्स टू, एक्स टू माइनस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेट्स से इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड लिख दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट लिखिए एक्स वन डैश की वैल्यू, एक्स वन डैश इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर। अब आप कह रहे हो वी टी क्यों आ रहा है, बिकॉज ये लेंथ के एंड के कोऑर्डिनेट हैं, एक x1 डैश है दूसरा x2 डैश है, तो x2 डैश आपका ये हो गया, x1 डैश ये हो गया। अब x2 डैश को आप किससे रिलेट करेंगे, x2 से, x1 डैश को किससे, क्योंकि ये इस एंड के कोऑर्डिनेट इसी एंड के कोऑर्डिनेट से तो रिलेट होंगे, बट स्टेशनरी का मूवेबल से या मूवेबल का स्टेशनरी से, सेम कोऑर्डिनेट से, ऐसा नहीं कि आप x1 डैश को x1 डैश को x2 से रिलेट करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज एंड्स अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो x2 डैश यानी ये वाला कोऑर्डिनेट x2 से ही रिलेट हुआ है, x1 डैश ये वाला कोऑर्डिनेट x1 से रिलेट हुआ, तो ये इक्वेशंस आपके पास आ गई। तो अब आप क्या करेंगे कि नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x2 dash एंड x1 dash इन इक्वेशन सेकंड। आप क्या करेंगे x2 dash और x1 dash की वैल्यूज को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में करिए पुट। बस पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, देखिए पुट करिए क्या आएगा, देखिए। अब आप पहले क्या कर रहे हैं, x2 डैश की वैल्यू यहां रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो l डैश ही रहेगी, l डैश इज इक्वल टू x2 डैश की जगह मैं रख रहा हूं ये वाला, तो क्या हो गया x2 माइनस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, माइनस x1 डैश की जगह रखूंगा ये वाला टर्म, क्या आ जाएगा x1 माइनस vt over under root 1 minus v square upon c square, ये values मैंने यहाँ put कर दी। Now you can solve it, LCM is same, दोनों के आपके denominator same है, तो LCM क्या हो जाएगा आपका, same हो जाएगा, under root 1 minus v square upon c square, as it is आ जाएगा, x2 minus vt, अब आप देखिए, यहाँ sign minus का है, माइनस का है तो इसकी वजह से इसके साइन बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां साइन प्लस बीटी, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इनवर्स नहीं ले रहे हैं यहां पे, इनवर्स इक्वेशन अगर मैंने आपको बताया था, ये अगर इक्वेशन ऐसे लिखी जाती, इस ये इक्वेशन अगर ऐसे लिखी जाती x इज इक्वल टू, या मैं ऐसे लिखता x2 इक्वल टू x2 डैश माइनस ये होता फिर बीटी डैश अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इनवर्स इक्वेशन। अब यहां देखिए ये हो जाएगा माइनस का एक्स वन और प्लस का हो जाएगा बी, ठीक है, ये इनवर्स इक्वेशन लिखते तब प्लस बी टी होता बेटा। तो अब आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस बी टी एंड माइनस बी टी विल बी कैंसिल्ड आउट, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, एल डैश इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1, n, सो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो दिस इक्वेशन दिस रिजल्ट बिकम्स l डैश इज इक्वल्स टू l अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से आपने x2 माइनस x1 की वैल्यू को यहां रख दिया, और इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख देंगे, l इज इक्वल्स टू l डैश अंडर रूट वन माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे इसमें और बात करूंगा, कुछ कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, सिंपल आपने x2 माइनस x1 की वैल्यू यहां l रख दी, नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। अब देखिए
बहुत छोटा सा डेरिवेशन है बट थोड़े से इसमें समझने की जरूरत है। अब देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या आया, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्टेशनरी फ्रेम इज इक्वल्स टू एल डैश इनटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, एल डैश इज द लेंथ ऑफ द रॉड इन एस डैश फ्रेम और रेस्ट लेंथ प्रॉपर लेंथ दो नाम से उसे और जाना जाता। अब मैं कुछ एजम्पशंस लगाता हूं, पहला पॉइंट लिखता हूं लेंथ, पहली कंडीशन लिखता हूं कि इफ इफ वी इज मच मच लेस देन सी, अगर वी की वैल्यू सी से काफी छोटी है देन क्या होगा, जैसे हमने उसमें कंडीशन लगाई थी देन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी एक से काफी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो सी स्क्वायर काफी बड़ा है, सी स्क्वायर जब बड़ा होगा तो इट मींस इज दैट दिस वी की ये पूरे इसकी वैल्यू जो है काफी एक से छोटी होगी, इट मींस इज दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल डैश, यानी अगर आपके फ्रेम की वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है उस समय आपको लेंथ कॉन्ट्रेक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि एल और एल डैश बराबर आएंगे, आपको एल और एल डैश में कोई चेंज महसूस नहीं होगा। कब, जब आप वी की वैल्यू क्या है दैट विल बी मच मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब सेकेंड केस लिखते हैं, सेकेंड केस क्या कहता है, If V is comparable to C, B और C की वैल्यू एक ऑर्डर में है, मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं है बट दे आर इन ऑर्डर, दे कैन बी कंपेयर, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक गांव को देश से कंपेयर नहीं कर सकते, एक गांव को आप जिले से कर सकते हैं, पंचायत से कर सकते हैं, बट यू कांट कंपेयर इन अ सिंगल विलेज पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल विलेज टू द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, नहीं कर सकते आप, तो ये कंपेरिजन होगा लेकिन ये कंपेरेबल होंगे वैल्यू। उस केस में क्या होगा, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी, तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की, इस पूरे टर्म की वैल्यू एक से छोटी होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वन माइनस है, कुछ ना कुछ इस टर्म की वैल्यू आएगी जो इसमें से माइनस होके आएगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सो एल डैश बड़ा हो जाएगा एल से, क्यों हो जाएगा, जैसे सपोज करो इस टर्म की वैल्यू 0.9 आई, अब एक्सप्लेन देखिए, एल इक्वल्स टू 0.9 एल डैश, देखिए इसका एक और इसके 0.9 बराबर आ रहे हैं, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया भाई, इसका तो एक और इसका 0.9, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है 0.7 हो, 0.7 हो सकते हैं, तो बड़ा कौन सा हो गया, इसके 0.7 ही इसके एक के बराबर है, तो बड़ा ये हो गया कि नहीं हो गया, तो इसकी वैल्यू एक से कुछ ना कुछ कम आएगी, मैक्सिमम 0.99 आएगी, तो 0.99 भी एक से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, एल डैश जो है बड़ी आएगी, इस केस में ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड केस में लेके चल रहा हूं, दैट इज V equals to C. थर्ड केस मैंने लिया, B और C बिल्कुल बराबर है, What will happen? क्या होगा, 1 minus 1 0, क्या हो जाएगा, B और C क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या होगा उस केस में, कंपेरेबल वाला तो केस सेटिस्फाई हो गया, अब 1 जब बराबर हो जाएंगे 1 minus 1 0, क्या ऐसा होगा कि उसकी लेंथ जीरो हो जाएगी, एल इक्वल्स टू जीरो आएगा, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता कि लेंथ किसी रॉड की जीरो नहीं हो सकती, लेंथ कैसे जीरो हो जाएगी रॉड की, एक साथ जीरो थोड़ी पता चल जाएगी, नहीं होगी, तो इट मींस इज दैट
सी जो है दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन नॉट बी अटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी को कोई ऑब्जेक्ट जो है अटेन नहीं कर सकता है. अगर ये अटेन कर लेगा तो जीरो हो जाएगी, जो केस पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक केस ऐसा है जिस केस में लेंथ कॉन्ट्रेक्शन ऑब्जर्व होगा, वो केस होगा व्हेन v इज कंपेरेबल टू c, b और c की वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में होंगी, देन वी कैन ऑब्जर्व द लेंथ कॉन्ट्रेक्शन फिनोमेना. सो दिस इज होल अबाउट द लेंथ कॉन्ट्रेक्शन. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेंथ कॉन्ट्रेक्शन. एक क्वेश्चन मैं यहां बताऊंगा छोटा सा, उसके बाद आपकी क्वेरीज टेक अप करेंगे. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें काफी सारे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन. आपको अगर ये समझ आ गया एल और एल डैश का कॉन्सेप्ट, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली. देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, सुन लीजिए क्या है. व्हाट, या आप ऐसे कर लीजिए, इफ अ रॉड इज सिचुएटेड इन अ फ्रेम विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी. अब देखो फ्रेम ध्यान रखना, इफ अ रॉड इज सिचुएटेड इन अ फ्रेम, सिचुएटेड इन अ फ्रेम विच इज मूविंग, तो कौन सा फ्रेम हो गया, एस डैस हो गया कि नहीं हो गया, विच इज मूविंग मूविंग विद अ वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.8c स्पीड ऑफ लाइट की 0.8c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विच इज मूविंग. ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी v, विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी 0.8c एंड इट्स रेस्ट लेंथ, रेस्ट लेंथ समझ आ गया क्या हो गया, एल डैश, एंड इट्स रेस्ट लेंथ इज 1 meter. एल डैश कितनी हो गई, 1 meter. देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टेशनरी फ्रेम. अब समझ आ गया, अब मुझे क्या करना है, रॉड की लेंथ निकालनी है जो स्टेशनरी फ्रेम से ऑब्जर्व होती है. एल डैश है, वी है, और आपके पास निकालना क्या है, एन. तो क्वेश्चन समझ लीजिए, आई एम जस्ट नरेटिंग अगेन, कि इफ अ रॉड इज सिचुएटेड इन अ फ्रेम विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.8c, c का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, 0.8 इंटू 3 इंटू 10 to the power 18 मीटर पर सेकेंड, तो 0.8c एंड इट्स रेस्ट लेंथ इज 1 meter. देन कैलकुलेट the length of the rod observed from the stationary frame. Stationary frame से जो rod ये observe होगी, अब इसकी length बतानी है, कितनी length observe होगी, तो मुझे L निकालना है. Simple इस formula में value रख दूंगा. देखो ये मुझे पता नहीं है, ये पता है, V जानता हूँ, C को भी जानता हूँ, calculation हो जाएगी. ये simple, सबसे simple numerical है इसका. देखिए L equals to आप लिखेंगे, L dash कितना है, 1 meter. यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट अभी तो सेम है ये. अब 0.8c, अब मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, c से c देखो यहां कैंसिल हो जाएगा, 0. इसकी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, इसका आंसर मैं ओरली बता दूंगा आपको. 0.8c का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, देखिए ये 1 तो हट गया, 1 माइनस 0.8c को हो जाएगा 0.8 × 0.8, 0.64 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंपल बचा 1 माइनस 0.64, ब्रैकेट में आ गया 0.36, यानी 0.6 मीटर. एल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इतनी लेंथ जो है ऑब्जर्व होगी स्टेशनरी फ्रेम से. रॉड एक्चुअल लेंथ उसकी 1 मीटर है, बट हाउ मच इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टेशनरी फ्रेम, 0.6 मीटर. अब इसमें भी क्वेश्चन की कई वैरायटी बन जाती है. What will be the percentage decrement in the length of the rod? So, देखो total 1 meter है, 0.6 observe हो रही है, minus करके 0.4 divided by 1 into 100 करके आप percentage निकाल सकते हैं कि इतने percent कम होगी. भाई सीधे सीधे दिख रहा है, 1 meter थी, 0.6 हो गया, 40% का decrement आ गया. ये तो एक basic question है.
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और वी विल सॉल्व कुछ न्यूमेरिकल यहाँ भी सॉल्व करेंगे, कुछ असाइनमेंट में भी दिए हैं मैंने, और आप उनको सॉल्व करिएगा। और नाउ आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ आई विल टेक योर क्वेरीज, देन वी विल फिनिश फॉर टुडे। ओके।